वेलकम टू परचम क्लासेस आई एम भूमिका प्रजापति तो परचम ने एसएससी कोर्स लॉन्च करा है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्रफी इकनॉमिक्स साइंस स्टैटिक जीके ये सभी सब्जेक्ट्स इस कोर्स में कवर किए जाएंगे जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे लाइक सी जी एल एन सी एच एस एल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये कोर्स सो मेक श्योर एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को विजिट कीजिए एंड इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे उठाइए एंड एग्जाम क्रैक कीजिए ओके सो देखिए अब आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज का लेक्चर है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ठीक है सो ये वो टाइम पीरियड आ चुका है फाइनली जहाँ पर यूरोपियन एडवेंस भारत में होने लगे तो हम इसकी पूरी स्टोरी देखेंगे कि बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है क्यों ये लोग भारत आए और कौन कौन सी कंपनीज इस्टेब्लिश हुई थी कौन कौन भारत आए थे कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ भारत आई थी उन सभी को आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन पर्टिकुलर आज हम लोग सिर्फ पोर्चुगीज़ कंपनी के बारे में बात करेंगे उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है देन कौन कौन गवर्नर बने थे और जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं आज के लेक्चर में देखी जाएगी और कवर की जाएगी क्लियर सो देखें बिफोर स्टार्टिंग हम पहले एक सीक्वेंस देख लेते हैं इनके अराइवल का और इनकी कंपनी के स्टैब्लिश होने का राइट right? तो देखिए जब मैं पोर्चुगीज़ कंपनी के इस्टैब्लिशमेंट की बात करती हूँ तो 1498 में इस्टेब्लिश हुई थी और भारत में अराइव भी ये लोग 1498 में हुए थे यहाँ पे क्वेश्चन जिस चीज़ से बनता है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से देखिए जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टैब्लिशमेंट की बात करती हूँ तो दूसरे नंबर पर यह कंपनी फॉर्म हुई थी बट जब मैं इनके भारत में अराइवल की बात करती हूँ तो अराइवल इनका तीसरे नंबर पर है बिकॉज कंपनी इनकी सिक्सटीन में बनी थी और ये लोग इंडिया जो है सिक्सटीन बिकॉज़ इनके पहले डच कंपनी ठीक है भारत आ चुकी थी वो में तो इनके सीक्वेंस से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते प्लस किस में हुए थे अराइवल कब हुआ था तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन थोड़े से जो इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं उन चीजों पे आप पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है Right? उसके अलावा 1616 में 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 फॉर्म हुई हुई थी, इंडिया 1620 में थी, फ्रेंच 1664 में हुई थी 1620 आई 1664 और इंडिया ये 1668 आए थे, ठीक है? है तो इनका जो अराइवल का इंडिया में और इनकी कंपनी किस में हुई थी वो दोनों ही सीक्वेंस एंड ईयर आप लोगों को याद रखने क्लियर आगे बढ़ते अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अब हम ये समझ लें कि इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या था एक सी रूट ढूंढने का और इंडिया में एडवेंट करने का देखिए जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होना शुरू हो गया है ट्रेडिंग ये सब होने लगी इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले कभी ये लोग ट्रेड नहीं करते थे ट्रेडिंग के एविडेंस काफ़ी पहले से मिल रहे हैं ठीक है ये लोग काफ़ी पहले से इंडिया के साथ ट्रेड करते थे जस्ट रीज़न ये है कि ये लोग सी रूट से ट्रेड नहीं करते थे अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि स्पाइस ट्रेड जो है ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन लोगों का सी रूट को डिस्कवर करने का राइट बट ये स्पाइस ट्रेड तो पहले भी हो रहा था लैंड रूट से हो रहा था कि स्पाइस ट्रेड लैंड रूट से होने में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगे कि इनको सी रूट ढूंढना पड़ा उसका रीज़न ये है कि देखिए ये है इंडिया ठीक है इंडिया है यहाँ पर है हमारा यूरोप और यहां पर बीच में पड़ता था टर्की में एक प्लेस थी दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल ठीक है अब क्या होता था भारत से सभी स्पाइसेस जाते थे कॉन्स्टेंटिनोपल एंड कॉन्स्टेंटिनोपल से इन स्पाइसेस को यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता था तो इस तरीके से लैंड रूट से ट्रेड होता था इंडिया से कहा जा रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्सेंटिनोपल से फिर यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में इनको भेजा जाता था हुआ यूँ कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओस्मानिया सल्तनत ने क्या कर लिया कैप्चर कर लिया तो जब ओस्मानिया सल्तनत ने कॉन्सटैटिनोपल को कैप्चर करा तो यहाँ पर जो स्पाइस ट्रेड हो रहा था उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी ठीक है उन्होंने आगे यूरोप में इन सामानों को बेचना बंद कर दिया अब यूरोपियन कंट्री में स्पाइस का जो है या जो भी स्पाइसेस थे उनके कल्टीवेशन नहीं होते थे और उन लोगों को स्पाइसेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी जैसे कि मीट वो लोग बहुत खाते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए और बहुत सारे रीजंस होते थे उनके वहाँ बिल्कुल भी स्पाइस का कल्टिवेशन नहीं होता और ये स्पाइसिस का कल्टिवेशन होता था इंडिया में तो इन लोगों को इन स्पाइसिस की ज़रूरत थी तो इस रीज़न से इन्होंने इनको एक नया रूट ऑब्वियसली ढूंढना था ठीक है तो उन्होंने ये लैंड रूट को छोड़ के बिकॉज स्पाइस ट्रेड तो कंटिन्यू करना ही था तो उन्होंने इस लैंड रूट को छोड़कर एक सी रूट डिस्कवर करा इंडिया तक पहुँचने के लिए ठीक है और ये पहला रूट जिसने डिस्कवर करा था वो थे वास्को डिकामा ठीक है बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नेविगेशन में ये अटैम्प्ट करा था उनके पहले एक और पर्सन थे जिनका नाम है बाथलोम्यूडियास ठीक है उन्होंने केप ऑफ गुड होप तक रूट डिस्कवर कर चुके थे बट वहाँ पे काफी ज्यादा स्टोम्स और ये सब आ रहे थे काफी ज्यादा यू नो सी में काफ़ी ज्यादा हलचल मची हुई थी तो वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाए इससे वो सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे एंड वहाँ से वो रिटर्न वापस से जो है पोर्चुगल चले गए बट बाद में वास्कोडी गामा फिर से नेविगेशन के लिए निकले सी रूट डिस्कवर करने के लिए निकले बिकॉज ऑलरेडी केप ऑफ गुड होप तक पता था कि हाँ यहाँ तक जा सकते हैं उसके बाद जो है उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने इंडिया की जो है खोज की थी राइट तो ये था हमारा रीज़न कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको कैप्चर कर लेना स्पाइस ट्रेड ये सभी कही कहीं ना कहीं रीज़न बनते हैं इंडिया की खोज के या सी रूट डिस्कवर करने के क्लियर तो इतनी चीज़ें अब हम समझ गए अब हम एक बार स्लाइड में से देख लेते हैं सो देखिए यूरोपियंस भारत मेनली ट्रेडिंग के लिए आए थे बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे गेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस ओवर कंट्री हम सभी जानते हैं कि पहला जो इन लोगों का मकसद था भारत आने का वो ट्रेड था उन लोगों को इंडिया से सिर्फ ट्रेडिंग करनी थी बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम स्लोली स्लोली जो है वो लोग थोड़े से वहाँ पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस क्रिएट करने लगे गेन करने लगे और इंडिया पे रूल करने लगे विद टाइम ठीक है सो दिस अल्टीमेटली लेड टू ब्रिटेन रूलिंग ओवर इंडिया फॉर मोर देन टू सेंचुरी हमें पता है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आई थी पोर्चुगीज़ हो गया डच हो गया डैनिश फ्रेंच ब्रिटेन इन सभी के बीच में पावर के लेकर अक्सर क्लैशेज होते रहते थे ठीक है इन क्लैशेज़ में से कोई सबसे ज़्यादा सुपीरियर निकला स्ट्रॉगेस्ट निकला वो ब्रिटेन था और ब्रिटेन ने मोर देन टू सेंचुरी भारत पे रूल कराई ये बेसिक चीज़ें हम सभी लोग जानते ठीक है अब हम देख लेते हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया सबसे पहला फैक्टर है स्पाइस ट्रेड ठीक है उसके अलावा दो चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी एक स्पाइस ट्रेड हो गया दूसरा कॉन्सटैंटिन Constantin, कॉन्सटैटिनोपल uh, जो है उसे कैप्चर कर लिया था ये एक रीज़न था जिस कारण से स्पाइस ट्रेड क्या हो गया था ब्लॉक हो गया था इसके अलावा इंडिया की इमेंस वेल्थ ठीक है जो उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी तो इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया हैवी डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज सिर्फ स्पाइसेस ही नहीं है सिल्क हो गया प्रेशियस स्टोन हो गया पोर्सलिन हो गया ये सभी चीज़ों की यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी देन यूरोपियन एडवांसमेंट इन इन फील्ड ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन इन फिफ्टीन सेंचुरी देखिए एक और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण माना जाता है एडवेंट होने का या सी रूट को डिस्कवर करने का वो ये था कि यूरोप में चल रहा था रैनेसो ठीक है यूरोप में रेनासो चल रहा था तो रेनोसो के चलते यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेंशन होने लगे अलग अलग फील्ड्स में लाइक दे वर एडवांसिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन एग्रीकल्चर इन लिटरेचर इन आर्ट और बहुत सारी चीज़ों में वो लोग क्या कर रहे थे एडवांस कर रहे थे और इसमें साइंटिफिक इन्वेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था बिकॉज़ जो शिप्स के जो ये लोग जो शिप बनाते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा यू you know, नो उन्होंने इन्वेंशन कर लिए और काफ़ी लंबा लंबा रूट जो है शिप्स जो है कवर कर सकती थी तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूरोप में हो रहे थे एंड इन पर्टिकुलर ना मैं पोर्चुगेज़ की बात करूँ तो पोर्चुगेज में एक प्रिंस थे जिनका नाम था हैंनरी वो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे अपनी कंट्री में उनको नेविगेशन से बहुत उनको अलग अलग सी रूट डिस्कवर करना उनको नेविगेशन में बहुत ज़्यादा शौक था इसलिए उनको द नेविगेटर भी कहा जाता था हैंनरी द नेविगेटर उनको कहा जाता था तो उन्होंने उनके लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा था अलग अलग सी रूट डिस्कवर करने के लिए एंड अलग से उन लोगों को ट्रेन भी किया जाता था ठीक है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि उन्हीं के लोगों को यू नो मोटिवेट करने के कारण एक सी रूट डिस्कवर कर पाए थे पोर्चुगीज तो इसकी एक अलग स्टोरी है आगे हम लोग देखेंगे बाकी हाँ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे तो उसमें रैनेसो इन यूरोप को भी एक फैक्टर माना जाता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगा था इन्वेंशन होने लगा था अलग अलग फील्ड्स में और लोग और भी ज़्यादा अवेयर होने लगे थे राइट इसके अलावा कैप्चर ऑफ़ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 ठीक है किसने करा था तो ओस्मानिया सल्तनत ने करा था और इन लोगों ने स्पाइस ट्रेट को क्या कर दिया था ब्लॉक कर दिया था देन रेनेसो एंड कैप्चर ऑफ़ कॉन्स्टेंटिनोपल दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स एंड विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ देखो नए नए सी रूट्स डिस्कवर करने लोग निकले और जिस कारण से अलग अलग जगह जो है अलग अलग लोकेशन लोग ढूंढ पाए जैसे कि ब्राज़ील एक पॉर्चुगल थे पॉर्चुगल नेविगेटर थे जिनका नाम है कैब्रल इन्होंने ब्राज़ील की खोज करी अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492 बाय कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक स्पेन के रहने वाले थे इंडिया को 1498 में डिस्कवर करा वास्को डी गामा ने न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया को डिस्कवर करा था तस्मान जो कि होलैंड से थे दैन हम सभी जानते हैं कुक ब्रदर्स जो थे विलियम कुक ठीक है विलियम कुक ने किसको डिस्कवर करा था तो इन्होंने डिस्कवर करा था ऑस्ट्रेलिया को राइट right? और विलियम को कहाँ से, से थे तो ये ब्रिटेन से थे तो ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग प्लेसेस अलग अलग जगह जो है वॉज डिस्कवर्ड बाई यूरोपियंस बिकॉज उस समय काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट जो है होने लगा था यूरोप में ड्यू टू रेनेसो राइट तो ये चीज़ें देखिए इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा एम वाला तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैच तो फॉलोइंग करके इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ब्राज़ील को किसने डिस्कवर करा था अमेरिका को किसने डिस्कवर करा था तो ये चीज़ें भी आप लोग क्या करना याद रखना ठीक है आगे देखें हम आगे देखिए ये यहाँ पर कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स भारत आई थी वो है और उन्होंने इनके पहले सेंटर्स कहाँ पर इस्टैब्लिश करे थे डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते जैसे कि पोर्चुगीज़ ने अपना पहला सेंटर कहाँ पर इस्टैब्लिश करा था तो उन्होंने कोचीन केरला में फ़िफ्टीन एंड में इस्टब्लिश करा था ठीक है डच ने अपना पहला सेंटर मछलीपट्टनम में स्टाब्लिश करा था एंड ब्रिटिश ने भी अपना पहला सेंटर मछलीपट्टनम में स्टाब्लिश करा था ठीक है डैनिश ने अपना पहला सेंटर ट्रैंकेबार में इस्टाब्लिश करा था एंड फ्रेंच ने अपना पहला सेंटर सूरत में स्टाब्लिश करा था ठीक है इन 1668 तो इनके यर्स भी देख लेना कि कब इनको इस्टाब्लिश किया गया था और इनके पहले सेंटर्स क्या थे वो भी देख लेना ठीक है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में नेक्स्ट देख ले देखिए ये वो सी रूट है ये यहाँ पर पोर्चुगल रहते थे और ये सी रूट जो है इन लोगों ने डिस्कवर करा था केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुँचने का ठीक है अब हम थोड़े बहुत इनके बारे में चीज़ें देख लेते हैं ये है कॉन्स्टेंटिनोपल ठीक है इंडिया से जो भी चीज़ें आती थी पहले यहाँ पर आती थी कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके बाद यूरोप में जो है अलग अलग कंट्रीज में इन चीज़ों को भेजा जाता था ट्रांसपोर्ट किया जाता था अब हम थोड़े से इनके बारे में देख लेते हैं देखिए वैन आई टॉक अबाउट पोर्चुगीज ना तो दे वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू कम इंडिया एंड दे वर द लास्ट यूरोपियन पावर टू लीव इंडिया ठीक है भारत आने वाले पहले लोग थे पोर्चुगीज और भारत छोड़ने वाले जो लोग थे आखिरी में जो सबसे आखिरी में भारत छोड़ के गए थे लाइक नाइनटीन सिक्सटी वन में ये लोग इंडिया छोड़ के गए थे वो कौन थे पॉर्चुगीज एक ऑपरेशन किया गया था दैट इज ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय के थ्रू इन लोगों को भारत से निकाला गया था ठीक है सो प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल मैंने अभी बताया कि प्रिंस हेनरी थे जिनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है जो कि थे इन्होंने एक स्कूल शुरू करा था ठीक है जिसमें ये लोग साइंटिफिक नेविगेशन पे लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया करते थे ताकि ये लोग अलग अलग सी रूट्स जो है डिस्कवर कर सकें ठीक है सो हैनरी प्रिंस ऑफ पोर्चुगल ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर ट्रेनिंग सी मैन ऑन साइंटिफिक नेविगेशन ताकि अलग अलग सी रूट्स को डिस्कवर किया जा सके इन्हीं का इंटरेस्ट और इन्हीं का एंथोसियाजम जो था जो नेविगेशन की, की फ़ील्ड में इनको था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे और उन्होंने देखा लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी स्कूल्स खोले गए थे तो यही मोटिवेशन के कारण अलग अलग सी रूट्स पर डिस्कवर्ड एंड यही रीज़न था उनको हैंनरी द नेविगेटर कहा जाता था ठीक है तो क्या नाम है उनका हैनरी जो कि प्रिंस थे उस समय पॉर्चुगल के जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता था ठीक है इन्हीं के मोटिवेशन इन्हीं के इंटरेस्ट को एंथोसियाजम को देख के पहला जो अटेम्प्ट किया गया था नेविगेशन में वो करा था बार्थलो म्यूडियास ठीक है आप सभी वास्को डिगामा का जानते होंगे बट बार्थलो म्यू डियाज जो है इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट करा था इन केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर इन्होंने ही करा था ठीक है बट इनिशियली इन्होंने उसको नाम जो है केप ऑफ़ गुड होप नहीं दिया था इन्होंने केप ऑफ स्टोम्स जो है इसको नाम दिया था बिकॉज उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वहां पर आंधी और तूफान चल रहे थे ये रीज़न था उन्होंने उसको केप ऑफ़ स्टोम्स कहा था ठीक है सो देखिए ही वॉज द फर्स्ट सेलर फ्रॉम पोर्चुगल हु सेटअप ऑन हिज वॉर्ज इन फोर्टीन एटी सेवन तो ये कब निकले थे यात्रा पर तो ये फोर्टीन एटी सेवन में निकले थे ही केम इन टू ही टू द सदर मोस्ट स्टेप ऑफ अफ्रीका एज देर वॉज ऑ स्टोम वैन ही रीच दैर इसलिए उन्होंने उसको केप ऑफ़ गुड होप नाम नहीं दिया था ठीक है बाद में इसका नाम जो है केप ऑफ गुड होप कर दिया गया था विद अ डिफाइनइट होप ऑफ डिस्कवरिंग अ सी रूट तो यहाँ पर केप ऑफ़ गुड होप नाम इसलिए दिया था कि यहाँ पर इनको और होप थी कि ये लोग और दूसरे सी रूट जो है अलग अलग डिस्कवर कर सकते ठीक है अब यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के लिए डिस्काउंट कोड ठीक है तो आज का जो डिस्काउंट कोड है वो है भूमिका ट्वेल्व राइट right? सो so, मेरे ही नाम का डिस्काउंट कोड है ठीक है इसे यूज़ कीजिएगा एंड आप लोगों को 12 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो आपको ये जो कोड है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन जनरल अवेयरनेस एंड जितने भी इंडिविजुअल कोर्सेज़ है पर्सन की एप्लीकेशन पर 12 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको उसके ऊपर एंड पी बैंक पर भी आप लोगों को ट्वेल्व ऑफ मिलेगा क्लियर सो so, ये है डिस्काउंट कोड भूमिका ट्वेल्व आगे देखें हम लोग थोड़ा वास्कु डिगामा के बारे में देख लेते हैं देखिए वास्को वास्कुडिगामा ऑन ट्वेंटी सेवेंथ में फोर्टीन नाइन्टी एट पोर्चुगीज सेलर है ठीक है ही क्रॉस द केप ऑफ गुड होप बिकॉज केप ऑफ गुड होप तक ऑलरेडी जो है वो लोग रूट ढूंढ चुके थे ठीक है वो केप ऑफ गुड होप के आगे वाला जो रूट है वो ढूंढा, भारत तक पहुंचने वाला वो ढूंढा था वास्को डिकामा ने ठीक है सो ही क्रॉस द केप ऑफ गुड होप एंड ही रीच्ड कैलिकट इन इंडिया इनकी मदद किसने करी थी तो एक गुजराती ट्रेवलर है जिनका नाम था अहमद इब्न मजीदी इनकी शिप जो है ये जिस शिप से भारत आए थे उसका नाम था साओ गैब्रियल तो अभी क्या याद रखना है 1498 नाइनटी एट ट्वेंटी ये भारत की तरफ निकले भारत पहुँचे इनकी एक गुजराती ट्रैवलर या फिर ट्रेडर कह सकते उन्होंने इनकी मदद करी थी जिनका नाम है अहमद इब्न मजीदी ये जिस शिप से भारत आए थे उस शिप का नाम है साउ गैब्रियल ठीक है फिर इनका वेलकम ये कैलिकट के कोस्ट पर पहुंचे थे वहां पर एक हिंदू रूलर थे जिनका नाम है जिमोरी ऑफ कैलिकट उन्होंने उनका स्वागत करा था ठीक है तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इंडिया में इनका स्वागत किसने करा था तो जेमोरिन नाम के किंग थे उन्होंने कैलिकट में उनका स्वागत करा था ठीक है तो गुजराती ट्रेवलर अहमद इब्न मजीदी उन्होंने उनकी मदद करी थी भारत का रास्ता ढूंढने में शिप का नाम था साओ गैब्रियल और इंडिया में उनका वेलकम करा था हिंदू रूलर किंग जेमोरिन एट कैलिकट ठीक है सो वन ही रिटर्न बैक देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो इंडिया तो पहुंच गए अब इंडिया में उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करी कि सवाल ही नहीं उठता था कि दूसरे लोग इंडिया पर ना आए मतलब जब यहाँ से वो सिक्सटी टाइम्स प्रॉफिट अर्न करके गए थे ठीक है सिक्सटी टाइम्स प्रॉफिट आप समझते हो सिक्सटी टाइम्स प्रॉफिट अर्न करा था उन्होंने सिर्फ पेपर बिजनेस से और यही चीज़ जो है दूसरे यूरोपियन पावर्स को अट्रैक्ट करने लगी ठीक है सो व्हेन ही रिटर्न बैक टू पोर्चुगीज ही अर्न सिक्सटी टाइम्स प्रॉफिट फ्रॉम पेपर बिजनेस ठीक है इसके बाद ना ये तीन बार भारत आए थे 1498, 1501 एंड 1524, ठीक है 1498, 1501 एंड 1524, ये तीन बार भारत आए थे ठीक है पहले 1498 में आए थे फिर 1501 में आए थे तो जब ये 1501 में इंडिया आया फॉर सेकेंड टाइम इन्होंने कोचीन में जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी ठीक है कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी कोचीन केरला में इन्होंने फैक्ट्री इस्टैब्लिश करी थी जब वो सेकेंड टाइम भारत आए थे ठीक है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था तो 1503 में से इस्टैब्लिश किया गया था इसके बाद द पोचुगीज़ द पॉर्चुगीज़ इस्टैब्लिश द फैक्ट्रीज इसके बाद लेटर जो है इन्होंने कैलेक्ट कोचीन किन्नौर जो है जितने भी वेस्ट कोस्ट थे इंडिया पर वहाँ पर उन्होंने वेस्ट कोस्ट जो थे इंडिया के वहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगह और भी फैक्ट्रीज इस्टैब्लिश करी थी बट ये जो है उन लोगों की फर्स्ट फैक्ट्री थी जो उन्होंने इस्टैब्लिश करी थी ठीक है फिर 1524 में वो तीसरी बार भारत आए एंड लेटर जो है ट्वेंटी दिसंबर 1524 में उनकी डेथ हो जाती है कोचिंग केरला में उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है ठीक है सो इतना जो है वास्को डिगामा के बारे में याद रखना आप लोग अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ पोर्चुगीज रूल इन इंडिया ठीक है कैसे इनका एक्सपेंशन होने लगा फिर पहले वाइज कौन थे अनवाइज रॉय के क्या क्या उन्होंने काम करे हैं उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं सो द पॉर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी ए स्टार्ट द इंडिया 1498 में इस्टैब्लिश हुई थी मालाबार कोस्ट में इन्होंने इनकी फैक्ट्रीज इस्टैब्लिश करी थी पहली कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पंद्रह 1501 में दूसरी बार वास्को डिगामा आए आने के बाद उन्होंने 1503 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कोचिंग केरला में दूसरी फैक्ट्री किन्नौर के केरला में इस्टैब्लिश की गई थी 1505 में ठीक है पहले गवर्नर कौन थे तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो कि 1505 में भारत आए थे ठीक है सो हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय और गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज पोजिशंस इन इंडिया तो वो थे फ्रांसिस्को डी अलमीडा ठीक है पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर बन जाता है द फर्स्ट वो आइस रॉय और पोर्चुगीज़ पोजिशन इन इंडिया वॉज फ्रांसिस्को डी अलमीरा ठीक है इन्हीं के टाइम पीरियड में अरब ट्रेडर्स को डिफीट किया गया था ठीक है इनकी पॉलिसी हिस्स पॉलिसी वॉज टू इंक्रीज पोर्चुगीज नेवल पावर ठीक है इनकी पॉलिसी क्या थी कि ये नेवल पावर जो थी उसे क्या करना चाहते थे इंक्रीज करना चाहते थे बढ़ाना चाहते थे इसलिए इन्होंने क्या करा था कि इंडिया में ये एक पॉलिसी लेकर आए थे दैट इज़ ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक है जो मेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रांसिस्को डी अर्मीडा से पहला ये है कि अ फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ पॉर्चुगेज़ पोजिशन इन इंडिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दूसरा यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस करा था तो ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इंट्रोड्यूस करा था तो बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या राइट तो ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है वो जो ओशन्स थी ना ये वाला जो रीजन था ये यहाँ पर उनकी नेवल स्ट्रेंथ को क्या करना चाहते थे स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे वो चाहते थे कि यहाँ पर जितना भी पूरे जितनी भी पावर है ओशन में वो किसके पास होगी सिर्फ पॉर्चुज़ के पास होगी ठीक है यहाँ से ट्रेडिंग का जो भी चीज़ अगर आपको करनी है तो आपको पॉर्चुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी बिना हमारी परमिशन के आप लोग नहीं कर सकते हो ये सारी चीज़ें तो वो उनकी नेवल पावर को नेवल स्ट्रेंथ को और भी

कब इंट्रोड्यूस की गई थी पंद्रह सौ नौ में ठीक है बाद में लेटर अलमीरा जो है वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई इजिप्शियंस तो इजिप्शियंस ने बाद में उन्हें मार दिया था वो बात ये आपके काम की स्टोरी नहीं है आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है पहली वाइज रॉय फर्स्ट वाइज रॉय ऑफ पॉर्चुगेज पोजिशन इन इंडिया दूसरी पंद्रह सौ नौ में ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था सेकेंड जो वाइज रॉय थे वो थे अल्फोंसो डी अलबकम ठीक है 1509 से 1515 तक इन्होंने ये पोर्चुगीज़ पोसेशंस के वाइस रॉय रहे थे भारत में राइट दो फर्स्ट जो वाइस रॉय थे वो थे अल्मीडा, ठीक है सेकेंड वाइस रॉय थे अल्फोंसो डी अलबकर बट स्टिल ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया बिकॉज इनके टाइम एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने एक्सपेंशन के लिए भी अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे थे ये क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना चाह रहे थे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा टाइम आ गया था इन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया था इंडियन uh, वुमेंस के साथ मैरिज अलाइंस होने लगे थे तो वो बेसिकली उस एरिया में सेटल होने लगे थे तो इसलिए इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है ऑफ पॉर्चुगेज़ पावर इन इंडिया ठीक है देखो अल्फोंसो डी अल्बकर की बात करें पहली चीज सेकेंड वाइज़ रॉय ऑफ़ पोर्चुगीज़ पोजिशन इन इंडिया ही वॉज ग्रेट कॉन्क्रीव ठीक है ही इज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया इन्होंने गोवा को कैप्चर करा था फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन पंद्रह सौ दस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है गोवा को किसने कैप्चर करा था तो गोवा को कैप्चर करा था अल्फोंसो डी अल्बकर ने किससे करा था तो बीजापुर के सुल्तान से बट रिमेंबर यहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है दो गोवा को कैप्चर करा था अल्फोंसो ने बट उसे कैपिटल जो है नीनो नीनोदी कन्हा ने बनाया था तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना मैंने क्लियर कर दिया कैप्चर किसने करा था अल्बकर ने कैपिटल किसने बनाया था उसको गोवा को नीनो नीनोदी कुना ने ठीक है ही ऑल्सो इन दिस रिलेशन विद विजयनगर एम्पायर ठीक है देखिए जब भी आप लोग पॉचुगेज़ के डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो पॉर्चुगेज़ के डिक्लाइन होने का रीज़न ये था कि इन लोगों का ना सबसे अच्छा रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ विजयनगर एम्पायर के साथ था एंड बिकॉज़ विजयनगर एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ उसके साथ साथ जो है पॉचुगेज़ का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया ठीक है फिर 1511 में इन्होंने मलक्का को कैप्चर करा था इन फार ईस्ट 1515 में इन्होंने ऑलमोस करके जो है एक पोर्ट बनाया था पर्शियन गल्फ़ में he can be rightly called the real founder of portuguese power in india theek okay? hai so he is known as the real founder of portuguese power in india ek acche administrator the he treated hindus well inhone schools bhi open kare the iska main reason tha christianity ko propagate karna theek okay? hai Muslims जो है वो enemy बन गए थे Portuguese के because उनकी religious policy के कारण इन्होंने marriages को भी इनक्रेज करा था एज ए सेट किसके बीच में द पोर्चुगीज़ एंड इंडियन वुमेन इनकी डेथ गोवा में ही हुई थी पंद्रह सौ पंद्रह में तो फिफ्टीन फिफ्टीन में अल्फ़ोंजो डी अल्बकर की डेथ हो जाती है तो आफ्टर द डेथ ऑफ अल्बकर पॉर्चुगेज जो है द कॉन्कट दीव दमन बॉम्बे सलोन सालसेट वसाइन हुगली ये सारे रीजन जो है इन्होंने कॉन् कर लिए थे आफ्टर अबाउट अ सेंचुरी जो पॉचुगीज़ पावर है वो डिक्लाइन हो गया उसका रीज़न ये माना जाता है कि अफ़ॉज़ो डी अल्बकर के बाद कोई भी अच्छा सक्सेसर नहीं आया था ठीक है इनके बाद अल्फोंसो डी अल्बकर के बाद निनो दी कोन्हा जो है ये नए वाइस रॉय बने पॉर्चुगेज पोजिशन इन इंडिया इन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया 1530 में सेटलमेंट्स जो है इन्होंने हुगली में स्टार्ट करी इन सेंट थॉमस इन हिज रूल जो दीव एंड बसाइन है वो पॉचुगीज़ ऑक्यूपेशन के अंडर आ गए ठीक है तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में बनती है मेनली और दूसरे इनके कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाता है बाकी इन्होंने कुछ बहुत अच्छा नहीं करा था ठीक है ये तीन मेन वाइज रॉय थे पॉर्चुगीज के इसके अलावा अब देखो पोर्चुगल कंट्रीब्यूशन क्या था भारत में तो देखिए सबसे पहला चर्च जो भारत में बना था वो पोर्चुगीज़ ने ही बनवाया था वो पहला चर्च 1510 में बना था कैरला में बना था सेंट थॉमस उसका नाम है गोथिक आर्किटेक्चर भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो गया था और जो पहले प्रीस्ट बने थे वो थे फ्रांसिस्को जोवेनियर ठीक है इसके अलावा पहला प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया गया था गोवा में इन 1556 फिफ्टी ने करा था ये लोग शिप बिल्डिंग आर्ट भी भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एंड बाकी जो पहला चर्च भारत में गोवा में बनाया केरला में बनाया गया था सॉरी केरला में जो पहला चर्च बनाया गया था वो भी पॉचुगेज़ ने ही बनाया था तो क्या क्या याद रखना है पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में किसने इस्टैब्लिश करा था पॉर्चुगीज़ ने शिप बिल्डिंग आर्ट को इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने गौथिक आर्किटेक्चर को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था पहला पहला चर्च जो है केरला में बनाया गया था जो कि था सेंट थॉमस एंड इसके जो पहले प्रीस्ट थे जो भारत में बने थे वो थे फ्रांसिस्को जोवेनियर और जोनवियर ठीक है इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेगा पॉर्चुगे कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर बनता है तो अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है कि जब पॉर्चुगीज कंपनी बनी थी ठीक है 1498 में उस समय पॉर्चुगीज़ के रूलर और प्रिंस कौन थे एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंडिया में कौन कौन रूल कर रहे थे ये क्वेश्चन जो है बनता है ठीक है तो जब कंपनी बनी थी तो उस समय मैनुअल फर्स्ट जो है पॉर्चुगेज के रूलर थे एंड प्रिंस हम सभी जानते है, हैं हैंनरी द नेविगेटर थे ठीक है मैनुअल फर्स्ट वाज रूलर ऑफ पॉर्चुगीज जब फोर्टीन में वास्को डी गामा निकले थे वो पर उन्होंने ने भारत की खोज करी थी तब ठीक है उसके अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ कौन रूल कर रहा है तो पहली चीज़ उस समय इंडिया में दिल्ली सल्तनत थी एंड लोधी डायनेसी रूल कर रही थी सिकंदर लोधी जो है उनका टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर ठीक है उसके अलावा साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर था आ, सलूव डायनेस्टी रूल कर रही है एंड रूलर कौन थे नरसिंह राव सेकेंड एंड गुजरात में रूल कर रहे थे महमूद बेगड़ा ठीक है तो पोर्चुगीज़ के रूलर और प्रिंस कौन है मैनुअल फर्स्ट प्रिंस हैंनरी द नेविगेटर इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ देखने को मिल रही तो दिल्ली सल्तनत थी विजयनगर एम्पायर थे गुजरात के रूलर जो थे वो थे महमूद बेगड़ा डेहरी सल्तनत की बात करूँ तो सिकंदर लोधी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की बात करूँ तो सलू डायनेस्टी और नरसिंह राव जो है रूल कर रहे थे क्लियर ये टेबल अच्छे से याद कर लेना यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं राइट right? आगे देखें अब कॉजेस देख लें हम पॉर्चुगेज पावर के डिक्लाइन होने के तो पहले तो मैं कुछ कॉजे स्टार्टिंग में बता दी कि अल्बकर के बाद एक भी स्ट्रांग सक्सेसर नहीं आए ठीक है सो so, अल्बकर सक्सेसर हुआ वीक ये एक रीज़न माना जाता है दे कुड नॉट स्ट्रेन द Portuguese होल्ड ओवर इंडिया ठीक है ये पोर्चुगीज़ के होल्ड को स्ट्रेन नहीं कर पाए ठीक है पोर्चुगीज़ इस्ड इन पायरेसी अगेंस्ट द इंडियन मर्चेंट्स इसे भी एक रीज़न माना जाता है पोर्चुगीज़ ऑफन फोर्सबली कन्वर्टेड द नेटिवस टू क्रिश्चानिटी मैंने कहा ना कि उनके मकसद ये भी हो चुका था कि उनको क्रिश्चानिटी को प्रोपोगेट करना था जिस कारण से वो लोग फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट करने लगे ठीक है दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड सम टेम्पल्स इन इंडिया ठीक है उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उस कारण से उनकी मुस्लिम्स के साथ नहीं बनती थी ये भी एक रीज़न माना जाता है इसके अलावा पॉर्चुगीज़ मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप ओनली विथ विजयनगर किंगडम यही रीज़न है कि जब विजयनगर किंगडम का बैटल ऑफ तेलिकोटा के बाद डिक्लाइन हुआ फॉल होने लगा उसी के साथ साथ पॉर्चुगीज जो है उनका भी फॉल होने लगा बिकॉज उनको एक स्ट्रॉग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था ठीक है 1518 में पॉर्चुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पेन

लास्ट गवर्नर कौन थे 1961 में जब वो लोग भारत छोड़ के जा रहे थे कौन सा ऑपरेशन था यहाँ पे मैंशनड है ऑपरेशन विजय के थ्रू जो है पोर्चुगीज़ को गोवा और दमन वाले रीजन से बाहर निकाल फेंका था तो उस समय गवर्नर कौन थे तो मैनुअल एंटोनियो ठीक है बाद में ऑपरेशन विजय के थ्रू इंडिया को Uh, uh, जो गोवा और दमन है वॉस्ट मर्स्ट विद इंडिया और गोवा लिब्रेशन डे कब बनाया जाता है बिकॉज 1961 19 दिसंबर को उनको भारत से बाहर निकाल फेंका था इसे 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिब्रेशन डे बनाया जाता है ठीक है तो कुछ थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं इन्हें भी याद रखेगा अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर यहाँ पर हमने पॉर्चुगेज से रिलेटेड जितने भी ठीक है कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे तो हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट पॉर्चुगीज़ गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज ठीक है पहले पॉर्चुगीज़ गवर्नर कौन थे इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव मुनरो मूनरोमीडा या मिन्टो ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुले है ताकि आप लोग डाउट पूछ सकें ओके okay? सो so, यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर थैंक यू